बिहार विधानसभा के दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव में नीतीश और लालू आमने सामने हैं। ऐसे तो पिछले तीन दशक से लालू और नीतीश बिहार की राजनीति के धुरी बने हुए हैं। 2005 में जरूर नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को बेदखल कर सत्ता हासिल की थी और पिछले 16 साल से सत्ता शीर्ष पर हैं। लेकिन बिहार विधानसभा के उपचुनाव में दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का कहना है कि लालू प्रसाद यादव भीड़ तो जुटा लेते हैं, इसमें माहिर हैं, लेकिन वोट में कितना बदल पाएंगे उसे यह देखने वाली बात होगी। लालू प्रसाद यादव लगभग 3 वर्ष के बाद बिहार में वो आए हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों में उनको देखने के प्रति क्रेज है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव आम आवाम की बात करते हैं और 1-to-1 कनेक्ट उनकी बात लोग से माने करते भी हैं, उनकी अपनी शैली भी है, तो उनकी शैली को देखने के लिए लोग जुटते हैं। अब रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर विजनरी नेता हैं, उनके काम के बारे में, उनके काम के, उनके कार्यशैली को लेकर वो जाने जाते हैं, तो ऐसे में भीड़ जुटाना अलग बात है, लेकिन वोट को ट्रांसफ़र करना वो अलग बात है। तो कहाँ तक लालू प्रसाद यादव वोट को ट्रांसफ़र कर पाएंगे, यह एक उनके लिए चुनौती पहले भी रही है और अब भी रहेगी। निश्चित तौर पर वो पिछले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बिहार में वो अपने कैंडिडेट के लिए या महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वो प्रचार करते हुए नहीं रहे, लेकिन इस बार तो वो अपने आप जो जाएंगे लोगों के बीच, तो निश्चित तौर पर क्रेज उनके प्रति है, वो आम आवाम चाहती है कि लालू प्रसाद यादव को सुने, उनका जो जोकड़पना वाला जो शैली है वो देखने को मिलता है, उससे लोग मनोरंजन उन लोगों का होता है, लेकिन वोट कितना ट्रांसफर कर पाएंगे यह नीतीश कुमार के सामने, यह एक चुनौती उनके लिए पहले भी थी और आज भी है। ठीक है, बाई इलेक्शन का परिणाम जो है सो राजद के पक्ष में रहा है, लेकिन इस बार दोनों सीट जदयू की है जिस पर उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसे में नीतीश कुमार के समक्ष भी चुनौती है अपने सीट को बचाने की, तो अब इसमें यही लड़ाई तो देखने को मिलेगी और बड़ा रोचक दिलचस्प मुकाबला होगा लालू और प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में इस उपचुनाव में। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रेम कुमार मणि का कहना है कि लालू प्रसाद यादव भले ही आर्थिक मोर्चे पर विफल रहे हों, आलोचना के शिकार अभी भी होते हैं, लेकिन गरीबों और दलितों के बीच आज भी लोकप्रिय हैं। जनता में उनको लेकर के एक आकर्षण है, उनको लेकर के एक चिंता थी। देखिए लालू जी जो भी रहा हो, वह आर्थिक क्षेत्रों में उन्होंने कितना काम किया यह अलग एक विषय रहा है और इसकी आलोचना कई लोगों ने की है, लेकिन उन्होंने एक डिग्निटी को लेकर के जो गरीब गुरबा लोग जो नीचे बैठते थे उनको जगह नहीं मिलती थी, अपमानित किया जाता था, तो उनको एक डिग्निटी को लेकर के उन्होंने जो काम किया उसकी आलोचना वो गरीब समझता है और गरीबों के दिल में उनके लिए बहुत जगह आज भी है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में से कौन किस पर भारी पड़ेगा, RJD और JDU प्रवक्ताओं का अपना अपना दावा है और तर्क भी। बात बनाने वाले तो बहुत लोग हैं, लालू जी बहुत अच्छा बात बनाएंगे, हंसाएंगे, सबको बड़ा मजा आएगा, लोग देखेंगे, ताली बजाएंगे, वापस आएंगे और फिर सोचेंगे कि विकास कौन करेगा, तो विकास का जब पैमाना जब तय होगा तो नीतीश जी का ही नाम आएगा, तो वोट तो नीतीश जी को ही देंगे लोग, ये तय है, पहले भी हुआ है 2005 में, 10 में, 15 में, 20 में और ये बाई इलेक्शन में भी होगा। करते हैं लालू प्रसाद ने जो उपेक्षित वर्ग थे जिनको कोई नहीं पूछता था उनको राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी देने का काम किया, जबकि नीतीश कुमार ने हमेशा इस्तेमाल किया, इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व पर तो अब किसी का विश्वास ही नहीं है। लालू प्रसाद अपने विचारों से, अपने संकल्पों से और जो उनका स्टैंड रहा उसके कारण लगातार बिहार की राजनीति में धुरी बने हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा समझौतावादी नीतियों या पलटी मार मार करके राजनीतिक सत्ता प्राप्त करते रहे हैं, इसलिए ऐसे नेतृत्व पर अब किसी का विश्वास नहीं है। सिसर स्थान और तारापुर में जो बाई इलेक्शन असेंबली के लिए हो रहे हैं उसमें नीतीश कुमार जी के लिए ये बहुत कठिन रास्ता नहीं था, परंतु एक बार लालू यादव जी फिर से वापस आ चुके हैं, भले ही वो जिस रूप में भी आए हों, वो इलेक्शन में वो शायद जाएँ भी या ना भी जाएँ, लेकिन अब वो स्वयं वहाँ मौजूद हैं और वो लोगों से मिल रहे हैं, तो वैसे में जो उनकी छवि है देशव्यापी छवि है बिहार में तो है ही, तो उसका क्या प्रभाव नीतीश कुमार जी के ऊपर पड़ने वाला है ये हर आदमी जानना चाहेगा, क्या वो उतने ही रेलिवेंट हैं या अब उनके रेलिवेंस कम हो रहे हैं, ये जानने की उत्सुकता लोगों को बनी रहेगी। बिहार विधानसभा के दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कौन किस पर भारी होता है यह देखने वाली बात है।
ऐसे लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है और दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है। नीतीश कुमार ने मंत्रियों का फौज उतार दिया है, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार में लगाया है। एनडीए के सहयोगियों की भी मदद मिल रही है, तो वहीं आरजेडी के तरफ से लालू प्रसाद यादव ने सभी विधायकों को उतारा है, पार्टी के नेताओं को लगाया है। तेजस्वी यादव खुद मोर्चा संभाल रखे हैं। अब देखना है कि 3 साल बाद लालू लौटे हैं तो जनता उन्हें पसंद करती है या नहीं, दोनों सीट के रिजल्ट से ही साफ होगा। वहीं नीतीश कुमार की लाज बचती है कि नहीं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।